1 2 3 अच्छे मैनेजर साहब खड़े हैं, उनके पेटीएम में डालो, एटीएम में डालो, बैंक में डालो, खूब धनराशि यहाँ पर दो। वेलकम बैक टू माय चैनल एनएल बादल उपरेती। गाइस तो देखो भाई, हम तो हैं देसी आदमी, देसी तरीके से जीते हैं, देसी तरीके से बॉडी बनाते हैं, और जिम भी हमारा देसी है, हमारे गुरुजी भी देसी हैं, हम भी देसी हैं। तो जनरली आपने देखा होगा जिम के अंदर कई लोग प्री वर्कआउट लेते हैं, जिम बाद में ज्वाइन करते हैं, पहले प्री वर्कआउट सप्लीमेंट दुनिया भर की चीज़ ले लेते हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ भाई, सप्लीमेंट जो है सिर्फ रिकवरी के लिए होता है, सप्लीमेंट से इतना ज़्यादा आप डाइट पर ज़्यादा फोकस करो। तो मैं प्री वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, प्री वर्कआउट का मतलब होता है स्टार्ट करने से पहले आपको क्या लेना है, आपकी जिससे बॉडी हीट हो जाए, बॉडी रनिंग में आ जाए, उसके बाद तो आप जब वर्कआउट करते हो तो बॉडी खुद ही हीट हो जाती है, ज़रूरत ही नहीं है कुछ लेने की। तो मेरा सबसे पहले होगा ब्लैक कॉफ़ी, साथ में आरजे नाइन के साथ ब्लैक कॉफ़ी अगर लेते हैं तो देखो विंग्स की क्वालिटी जो है, विंग्स अलग ही दिखती हैं। अभी मैंने पिया नहीं है, जब पीऊँगा पीने के बाद देखना आप, इसकी क्वालिटी अलग रहेगी। तो अब थोड़ा सा मेरे को क्या है भाई, कॉफ़ी थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी होती है, थोड़ी सी कड़वी सी लगती है, तो मैं थोड़ा देसी स्टाइल वाला आदमी हूँ भाई, गुड़ ले लेता हूँ साथ में। आप कुछ भी समझो, अच्छा समझो चाहे बुरा समझो, भाई गुड़ ले लेता हूँ साथ में, ये ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि कड़वी लगती है यार, पिया नहीं जाता मेरे से। तो चलिए आज हमारा बैक वर्कआउट है, बैक वर्कआउट करेंगे सर के साथ, सर आने वाले हैं, कल पार्टी में गए थे थोड़ा लेट हो गया, तो सर आने वाले हैं, अभी सर आ जाएंगे, उसके बाद सर का जो है चरण स्पर्श करके जो है अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सात आठ नौ दस ग्यारह बारह लाभ से पूरा कल चल एक तीन चार पाँच छः सात आठ बदल चल दो सर चार पाँच छः दो सात आठ एक एक्सरसाइज एक्स्ट्रा बढ़ाई मैंने, हाँ तीन है अभी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन चल वन टू बैक फोर फाइव सिक्स सेवन एट रखो चल वन टू थ्री फोर फाइव
1 2 3 4 5 6 7 8 रखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कर टेन बस वन टू थ्री फोर जस्ट फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट बस हो सर आप तो एक्सरसाइज में कार्डियो करा देते हो अगर वेट ट्रेनिंग इंटेंस हो तो बहुत ज़्यादा कार्डियो तो नहीं होती है वेट शुरू हो जाता है हाँ ये हम ट्रेनिंग में ज़्यादा रेस्ट करते हैं तो हमें कार्डियो अलग से ज़्यादा करना पड़ता है अब ये कार्डियो वो साथ साथ होगा अभी वो भाई लोग पूछ रहा था आप लीन मसल गेन कर रहे हो लीन कर रहे हो बोर्डिंग मन गए मैं तो गेनिंग कर रहा हूँ दबा के खा रहा हूँ सिर्फ रात को मेरे काफ्स नहीं है बाकी सुबह शाम तक काफ्स दबा के ले रहा हूँ वेट बढ़ना चाहिए भाई बढ़ना अभी यहाँ से जाने के बाद इतना खा रहा हूँ सर वो भी कम पड़ रहा है फिर भूख लग जा रही है घंटे बाद वो तो मेरी इतनी अच्छी है मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है रात को मैं तीन तीन बार खा रहा हूँ मुझे इतनी भूख लग रही है पर आना भी तो चाहिए ना इस पर अभी चार पाँच तीन दिन तो हुए सर अभी चार किलो और चाहिए अभी तीन दिन हुए अभी आपको तो भाई सर जब भी वर्कआउट कराते हैं धुआं निकाल देते हैं कार्डियो इसी में करा देते हैं अभी मैं सोच रहा हूँ कार्डियो करूँ या ना करूँ हालत ख़राब कर देते हैं मैं 7 साल में ऐसी ट्रेनिंग नहीं करा इसको बोलते हैं हार्ड कोर ट्रेनिंग इसीलिए यहाँ से चैंपियन निकलते हैं उसका रीज़न ये है कि कोच अगर आपके ऊपर ध्यान देगा तो डेफिनेटली बॉडी बनेगी और यहाँ से चैंपियन निकलने का रीज़न यही है कि सर के अंदर मैंने एक चीज़ देखी चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो काम छोड़ देंगे पहले एथलीट के ऊपर ध्यान देते हैं तो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस एंड मैं आपको भी कहूँगा कि देखिए आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करो धनराशि यहाँ पर जो है वो पीछे मैनेजर साहब खड़े हैं उनके पेटीएम में डालो एटीएम में डालो बैंक में डालो खूब धनराशि यहाँ पर दो ये मैनेजर लॉकडाउन में भी परेशान करता है मैकडाउन में भी कहता है भाई कहीं से लाओ पैसे लाओ तो थैंक यू गाइस थैंक यू वेरी मच आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना सर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाते हो किसी से इतने सारे लोगों को सर ने आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला गाइस कमेंट करो और सर को बोलो कि आज बादल भाई का चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलो थैंक यू वेरी मच